भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां नर्मदा के जल के लिए अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला है। दानिश नगर के रहवासियों ने घर के बाहर बैनर पोस्टर लगाए और दरवाजों पर खड़े होकर खाली बाल्टी और भगोना लोटा मटका लिए यहां पर खड़े रहे और घंटों इनको बजाकर हंगामा करते रहे। वोट फॉर नर्मदा का जल इस नाम से पोस्टर लगाए गए हैं। सुन लो पुकार, नर्मदा जल दे दो सरकार, ये कहते हुए शासन प्रशासन तक बात पहुंचाने की कोशिश की। नर्मदा जल नहीं तो वोट नहीं, ये जो स्लोगन है ये नेताओं को कहीं ना कहीं संकट में डाल सकता है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो इलेक्शन का है और इस तरह के स्लोगन नर्मदापुरम ये जो है कॉलोनी इसके इधर हर घर पे लगा दिए गए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बीजेपी के ही पार्षद हैं, यहीं से बीजेपी के विधायक भी हैं। बावजूद उन्हें नर्मदा जल नहीं मिल रहा है और यहाँ के जो रहवासी हैं बड़ी संख्या में इन्होंने अपने हर घर पर ये स्लोगन लिख लिया है कि वोट फॉर नर्मदा जल और नर्मदा जल नहीं तो वोट नहीं, इसे लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया है। रहवासी जो लोग हैं उन्होंने पूरे मन बना लिया है कि जब तक उन्हें शुद्ध नर्मदा जल नहीं मिलेगा तब तक वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, क्योंकि उनसे टैक्स भी लिया जाता है, वसूला जाता है, मगर शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। सर क्या लड़ाई है नर्मदा जल के लिए? दानिश नगर में 30 साल पुरानी कॉलोनी होने के बावजूद भी आज तक नर्मदा की लाइन गई हुई है यहाँ से कॉलोनी के अंदर से, लेकिन आज तक नर्मदा जल सप्लाई नहीं हुआ है। बीजेपी के ही पार्षद और विधायक हैं? बीजेपी के ही पार्षद हैं और बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी के विधायक जो है 20 साल से विधायक हैं। अब स्लोगन लिख लिया आप लोगों ने, कॉलोनी वालों ने, कि जल नहीं तो वोट नहीं। बिल्कुल, जल नर्मदा जल नहीं मिलेगा तो वोट देना हमारा हक नहीं बनता है, क्योंकि हम सारे टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल, और सारे टैक्स देने के बावजूद भी हमें कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। महिलाओं ने भी जमकर यहाँ पर विरोध किया, प्रदर्शन किया, अपने घरों से खाली बर्तन लेकर आए पानी के, उसके बाद यहाँ इस पूरे प्रदर्शन में रहे। ये तमाम रहवासी महिलाएं हैं, मुनि से जानते हैं, हालांकि अंशु गुप्ता जी से जानते हैं, ये जो आपने प्रदर्शन किया क्यों नहीं सुन रहे हैं बीजेपी के पार्षद विधायक? देखिए, ये अराजक जो जब शासन हो जाता है तो जनता फिर हाहाकार इसी तरह करती है, ये बहुत जीता जागता आपको ये सबूत देखने को मिल रहा है। बड़ा एग्जाम्पल है कि हर घर में हर नागरिक ने, यहाँ के हर रहवासी ने ये लिख दिया है कि अब हमें आपके तंत्र व्यवस्था पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, हमें अपने जनप्रतिनिधियों पर भरोसा नहीं है, हमारी सरकार पर भरोसा नहीं, क्योंकि हम ईमानदार करदाता हैं। वोट फॉर नर्मदा जल के लिए अभियान शुरू किया है और हम लोग क्योंकि वोट जो नर्मदा जल देगा हमें उसके लिए वोट देंगे। तो ये कहीं ना कहीं स्लोगन उन नेताओं के लिए एक नसीहत है और उनके लिए चेतावनी भी है कि अगर उन्हें वोट चाहिए तो उन्हें फिर इस कॉलोनी के लोगों को नर्मदा जल भी देना ही होगा। कैमरा पर्सन खिलान सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।